मिड डे मील सूखा राशन देने की केंद्र की योजना की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस वन के प्रतिभा विद्यालय से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत लाखों बच्चों को इसका लाभ होगा। निगम ने पहले मिड डे मील योजना के तहत पका भोजन दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों को सूखा राशन वितरण किया जाएगा। समारोह में पहुंचे बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार अन्नपूर्ण योजना के तहत पहले 80 लाख लोगों को राशन मुहैया करा चुकी है। इस योजना के तहत 10 लाख बच्चों को राशन किट मुहैया कराएगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और केंद्र की तारीफ भी की। पेश है ये रिपोर्ट। सरकार द्वारा नगर निगम या सारे दिल्ली के सरकार के स्कूलों में राशन की मिड डे राशन किट वितरण का जो व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, स्कूल आते थे तो उनको पौष्टिक आहार मिलता था, लेकिन स्कूल बंद होने से उनको ये भोजन नहीं मिल पा रहा था, सरकार द्वारा सुविधा नहीं मिल पा रहा था, तो पहल किया गया है ताकि बच्चों को ये राशन उनके घर तक मिले और बच्चे उसका लाभ उठाएँ। तो ये लगातार सारे नगर निगम के और सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन सही बच्चों को मिलेगा, उसका शुरुआत आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया हमारे वार्ड के हमारे प्रतिभा विद्यालय से, और इसके बाद सारे स्कूलों में योजना को लागू किया जाएगा। देखिए, जो कोरोना के समय बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा था, मैं पूर्वी दिल्ली, पहले दक्षिणी दिल्ली निगम ने प्रारंभ की इस योजना को, और अब पूर्वी दिल्ली ने इस योजना का प्रारंभ किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। निगम को जो राशन मिलता है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना के अंतर्गत मिलता है, और उसकी 4 महीने की एक राशन किट बनाकर 1,67,000 बच्चों को राशन किट दी जाएगी, और निगम के 10 लाख, तीनों निगमों के दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, 10 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको ये निगम के द्वारा मिड डे मील राशन किट दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी पहले से ही कोरोना के समय गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना में 80 लाख लोगों को दिल्ली में राशन पहुंचा चुके हैं, और इस योजना के लिए जो निगम ने पहल की, इसका बहुत बहुत उनको आभार और धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि निगम लोगों की सेवा करने के लिए, जन कल्याण के लिए पूरी तरह तत्पर है। आज निगम के जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, वो किसी भी पब्लिक स्कूल, किसी भी दिल्ली सरकार के स्कूल से कम नहीं है, उनसे 21 है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, यहाँ अच्छी भवन है, बच्चों को खेलने की सुविधा है, यहाँ पर उनके लिए एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स भी लगे हैं। तो आज निगम जिन बच्चों को कैटर करता है, जो बच्चे निगम के विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चे हैं, वो निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनको बेहतर वातावरण मिले, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी मिले, ये इस ओर निगम कटिबद्ध है। और इससे गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं, इसमें प्रतिभाएं पैदा होती है, और ये प्रतिभाएं जो निगम के विद्यालयों से निकलती हैं, वो देश के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने,
दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।